अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंसार कूलिंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कैसे मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर की हम अपने आउटडोर में वायरिंग करें। मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर में हम आपको बताते हैं कैसे हम कंप्रेशर की और अपने फैन मोटर की, आउटडोर के फैन मोटर की वायरिंग करें। दोस्तों, ये हमारा 2 टन का वोल्टास का आउटडोर है। देखिए, इसका न्यूट्रल लाइन सिग्नल और ये अर्थ वायर है इसका। दोस्तों, इसमें ये 3 वायर हमारी न्यूट्रल लाइन और सिग्नल हमारी इंडोर से आती हैं। इंडोर में हमारी मेन सप्लाई जाती है, ये अर्थिंग है, ये हमारा सिग्नल। 3 मिनट बाद ये हमारा सिग्नल आता है इंडोर से, जो हमारे मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर पे जाता है और मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को जैसे ही स्टार्ट करता है वैसे ही हमारा कंप्रेशर और फैन मोटर स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये हमारे पास डबल कोर का मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर है। ये देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर है। ये हमारा फैन कैपेसिटर है 3 MFD का। ये हमारे पास इसका कंप्रेशर कैपेसिटर है 45+6 MFD का। ये 6 MFD हमारा जो है फैन का रहता है, लेकिन इसमें हमारा 3 MFD का लगेगा, इसलिए हम अलग से लगा रहे हैं। और ये 45 के कंप्रेशर का, ये देखिए 3 टर्मिनल जो हमारे कंप्रेशर की स्टार्टिंग है, 2 टर्मिनल हमारी जो है ये 6 MFD फैन की स्टार्टिंग है, और ये जो 4 पिन वाला हमारा है ये इसकी रनिंग है, न्यूट्रल है इसकी, न्यूट्रल लाइन है जो हमारी रनिंग होती है, न्यूट्रल होती है। चलिए अब हम इसके आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। पहले ये देखिए यार, ये 3 वायर जो हमारी हैं ये कंप्रेशर की वायर है, इसको हमने पहले से ट्रेस कर रखा है। और ये हमारी 3 वायर जो हैं ये फैन की हैं। दोस्तों, ये देखिए, वाइट वायर हमारी जो है स्टार्ट, रेड वायर हमारी कॉमन है, ग्रीन, ये ब्लू वायर इसकी हमारी स्टार्ट रनिंग है, और ये वाइट वायर हमारी स्टार्टिंग है। देखिए, स्टार्टिंग वायर को पहले हम कनेक्ट कर देते हैं। ये 3 वाला जो टर्मिनल है ये हमारा कंप्रेशर की स्टार्टिंग है, ये हम इसकी रनिंग को लगा देते हैं। पहले हम आपको कंप्रेशर की पूरी वायरिंग करके दिखाते हैं। देखिए, ये हमने इसके कॉमन वायर के कंप्रेशर को साइड में कर दिया है। अब हम आपको इसके कॉन्ट्रैक्टर की में कनेक्शन करके दिखाते हैं कैसे क्या कनेक्शन करना है। दोस्तों, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। देखिए, इसमें आपको एक कॉइल नज़र आ रहा होगा, ये हमारी 220 वोल्टेज चलता है। ये देखिए, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा 220 वोल्ट लिखा है। ये हमारा न्यूट्रल फेज हमारा इसमें लगता है। ये देखिए, ये कॉइल हमारी सेम है, दोनों टर्मिनल जो हमारे हैं ये सेम है। एक तरफ हमें न्यूट्रल देना रहेगा और एक तरफ हमारा फेस हमारा जो सिग्नल वायर है उसका फेस हमें इस पर देना रहेगा। और ये देखिए, एक तरफ, चलिए हम आपको इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। हम एक वायर को ले लेंगे जिसमें दोनों तरफ हमारे थिम्बल लगे होंगे। देखिए, ये हमारे पास वायर है दो, ये देखिए हमारे पास वायर है। पहले हम इसको न्यूट्रल और फेस देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। ये देखिए, हम इसको सिग्नल वायर, इसका जो हमारा फेस है, हमें कॉन्ट्रैक्टर को जो अपने कॉइल पे फेस देना रहेगा, जो हमारा सिग्नल वायर से फेस आएगा उसका फेस देंगे हम। और एक हम अपना न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं इसमें। ये हमने न्यूट्रल और फेस अपना कनेक्ट कर लिया है। हम आपको इसमें कॉन्ट्रैक्टर में लगा के दिखाते हैं। ये देखिए, इसके एक साइड पे हमने फेस दे दिया है, एक साइड हमने न्यूट्रल दे दिया है। अब दोस्तों, इस पे ये हमारा न्यूट्रल तो परमानेंट इसको मिल ही रहा है, जब हमारे इंडोर से 3 मिनट बाद फेस आएगा तो इसमें न्यूट्रल फेस हमारा कनेक्ट होके आगे सप्लाई निकालेगा। आगे सप्लाई जो निकालेगा वो हमारे कंप्रेशर के कॉमन को देगा। अब कंप्रेशर के कॉमन को जब सप्लाई देगा उसके लिए हमें फेस देना पड़ेगा आगे की तरफ। ये देखिए, हमारे कंप्रेशर का कॉमन तो है, अब इसको फेस चाहिए। अब इसको फेस के लिए देखिए, थिम्बल हम ले लेते हैं और इसको फेस के लिए जो हमारी लाइन आ रही है उससे हम लाइन कनेक्ट करेंगे। देखिए, पहले लाइन कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी कंप्रेशर की जो लाइन आ रही है इसमें एक वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे। वायर कनेक्ट करके हम यहाँ पे इसको फेस दे देंगे। फेस हमारा दोस्तों परमानेंट मिलता रहेगा जब हमारी
तीन नंबर सिग्नल से, जैसे ही सिग्नल वायर से हमारा इंडोर कंप्रेशर को फेज देगा तो हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा और ये फेज इसको आगे फेज सप्लाई कर देगा। दोस्तों जब तक हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा ये हमारा फेज यहीं पर रुका रहेगा। ये देखिए जब हमारा इसमें फेज मिल जाएगा ये आगे इसको कंप्रेशर को फेज दे देगा और हमारा कंप्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारे कंप्रेशर को फेज तो मिल गया, बचा न्यूट्रल। अब हम जो न्यूट्रल देंगे कंप्रेशर को, हम चाहे यहाँ से भी न्यूट्रल दिया कनेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट भी न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं। देखिए एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर लिया हमने और दूसरा हम अपने कैपेसिटर के रनिंग पे दे देंगे। हमने आपको ये बताया था रनिंग पॉइंट जो हमारा होता है ये न्यूट्रल होता है। देखिए हमने इस पर रनिंग को दे दिया। अब ये हमारे कंप्रेशर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसके फैन की वायरिंग करके दिखाते हैं। ये हमारे फैन के वायर हैं, रेड वाला हमारा स्टार्टिंग है, ब्लू वाला हमारा रनिंग है और दोस्तों ये देखिए हमारा ब्लैक कॉमन है। चलिए हम इसकी आपको वायरिंग करके दिखाते हैं। ये फैन का कैपेसिटर है दोस्तों, इसमें देखिए चार टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल सेम होते हैं दोनों। देखिए हमारा एक तो साइड पर रनिंग लगा देंगे, एक साइड पर हम इसके स्टार्टिंग लगा देंगे। हमारी रनिंग स्टार्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये बचा हमारा कंप्रेशर का न्यूट्रल। न्यूट्रल हम ये हमारा न्यूट्रल है, इसको हम कॉन्टेक्टर से न्यूट्रल दे देंगे। साइड जो हमारा न्यूट्रल बचता है वहाँ से न्यूट्रल दे देंगे। अब हमारे फैन में बचा फेज, अब हम अपने फैन को फेज देना रहेगा। देखिए एक वायर को हम दोनों में किसी भी तरफ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर पे। उसके बाद हम इसको सिग्नल वायर से जो हमारा फेस आ रहा है यहाँ से हम इसको फेस दे देंगे। हमारे फैन की भी वायरिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।